हेलो बाबू, मेरे दोस्तों भाइयों, आज का जो टॉपिक है राइट द सेंट्रल आइडिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी सेंट्रल आइडिया कैसे लेके, जब बहुत कमेंट आया इसीलिए हम बना रहे हैं। तो जान लीजिए बहुत ही बेहतरीन, हम आपको एग्जांपल्स छोटे से एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। जैसे फिश इज क्वीन ऑफ वाटर, जो है तो नहीं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया और ये कविता भी उसमें गया है। आप उसे शेयर जरूर करें कि अपने छोटे भाई, अगर कोई छोटा हो तो उसके घर में जरूर जरूर याद करवाएं उसे। काफ़ी अच्छा है, हम वीडियो बनाकर भेज दिए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। तो आइए उसके माध्यम से देखते हैं कैसे लिखा जाता है। आज इसी के माध्यम से बताएंगे, कहेंगे और दादा सर जी इतना आसान है, हम तो जानते नहीं हैं, ये कहेंगे। अगर आप रोज इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो जो आगे बताया जा रहा है वैसे कर लीजिए। In this stanza, the poet tells, बताता है us, हमें। जानते क्या लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया में? सेंट्रल आइडिया में पूरा उसका निचोड़ लिखा जाता है और कम शब्दों में लिखा जाता है, यही होता है सेंट्रल आइडिया। आइए उसी को वैसे बता रहे हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स, पोएट कवि टेल्स बताता अस हमें, दैट The fish is queen of water, जो मछली होती है फिश इज क्वीन ऑफ वाटर। ऐसे लिखना रहता है, कुछ ज्यादा नहीं। फिश जो मछली होती है क्वीन मान रानी ऑफ वाटर, पानी की रानी होती है। टेल्स बताता, यही मेन रहता है कि आगे से कैसे शुरुआत की जाए। वाटर पानी के बारे में बताता है। एंड और विदाउट वाटर, यही नहीं लिखना है, नहीं तो गलत काट देगा एग्जामिनर। विदाउट वाटर द फिश कांट लिव, कांट लाइव, नहीं जीवित रह सकती। फिर कह रहा है टच हर देन सी फ्राइड, एंड व्हेन वी गो टू कैच, वही नहीं लिखना रहता है। वैसे टोटल उतार देंगे तो कॉपीराइट लग जाए, मैंने नकल माना जाएगा, पर यहां देखिए कह रहा व्हेन मैंने जब भी हम गो जाते हैं टू कैच द फिश, हम मछली को जब पकड़ने जाते हैं देन सी फ्राइट, वह डर जाती है। व्हेन देन सी फ्राइट, वह डर जाती है। एंड एंड सी रैन, वह भाग जाती है। कह रहा आउट वाट ऑफ वाटर डाइड, कह रहा है आउट बाहर ऑफ वाटर, बाहर के माने कि बाहर निकालो मर जाएगी। एंड व्हेन बी आउट ऑफ व्हेन बी टेक करते हैं आउट ऑफ द वाटर, कह रहा है आउट फ्रॉम द वाटर, पानी से, ऑफ द फिश मछली को हम अगर अब बाहर करते हैं देन सी डाइड, मर जाती है। देन सी डाइड, वह मर जाती है, और क्या, बस खत्म। यही होता सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा गया। इसका जो है ना पूरा जो छोटा भाव है ना, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। एक्सप्लेनेशन कहा जाए साफ साफ शब्दों में, द ऑल सेंटेंस, द एक्सप्लेनेशन इज द सेंट्रल आइडिया। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ही सेंट्रल आइडिया होता है। पहाड़ थोड़ी है, हलवा है। कोई भी सेंटेंस अगर आप उसका हिंदी जानते हो, स्टैंजा इतना बड़ा है 4 लाइन का, कोई भी दुनिया कोई भी कविता आप हिंदी उसका एक्सप्लेन जानते हो, कैसे वो ट्रांसलेट करके हिंदी में अगर आप जानते हैं आराम से आप लिख सकते हैं। बस सिंपल,
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थैंक्स लॉट। एंड कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें, और चलते हैं और कौन से वीडियो में दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और कौन सा टॉपिक चाहिए जरूर कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने हित मित्र रिश्तेदार रिश्तेदार क्या करेंगे, जो जिनको भी लगे कि ऐसा ये जरूरी है उनको आप भेज सकते हैं। जय हिंद जय हिंदी। In the relationship, I am teacher, but my name is Vaiz Afri. Go and watch the all previous videos what I uploaded for you in the playlist of most important topics and banker topics of English. My name is Vaiz Afri. Thanks and go. अगर आप रोज इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जो आगे बताया जा रहा है वैसे कर लीजिए।